हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक ऐसी सिंपल ट्रिक बताने वाला हूं जिसको गेम पब्लिशर्स रिपीटेडली यूज़ करते हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं थ्रू पब्लिशिंग गेम्स। वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देख लीजिए क्योंकि मैं आपके साथ काफ़ी ज़्यादा इनसाइट शेयर करने वाला हूं ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो पाए। पूरी की पूरी चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ क्या क्या तरीके आजमाते हैं गेम पब्लिशर्स टू मेक श्योर कि वो अपने गेम्स में से मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमा पाए। दोस्तों स्टार्ट कर देता हूँ। गेम पब्लिशर्स के पास सबसे पहली चीज़ होती है बहुत बड़ा एक नेटवर्क और ढेर सारे पैसे। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, पैसे ही पैसे बनाते हैं। तो पब्लिशर्स के पास जो रहता है ऑलरेडी ढेर सारा पैसा अवेलेबल रहता है। अब ये पैसे वो कहाँ पे खर्च करते हैं? आपको लगता होगा कि गेम डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा जाता होगा, बट नहीं, वो गेम डेवलपमेंट में तो पैसा खर्च करते ही है, बट उससे डबल पैसा वो लोग मार्केटिंग में लगाते हैं। अब बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस दो तरीके हैं वो यहाँ पे आजमाते हैं। एक रहता है यूज़र एक्विजिशन और दूसरा रहता है यूज़र रिटेंशन। ठीक है, यूज़र एक्विजिशन मतलब आपने गेम को लॉन्च कर दिया, आपके गेम के अंदर यूज़र को लाने के लिए कितने पैसे लगने वाले हैं, और सेकंड चीज़ क्या वो गेम के अंदर आने के बाद यूज़र रिटेन हो पा रहा है, जिसका मतलब है कि क्या वो यूज़र गेम को बार बार खेल रहा है। अगर ये दोनों चीज़ें प्रॉपरली बैलेंस आउट हो जाती है तो ढेर सारा पैसा लगाने के बाद आपके गेम आपको प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुँचा ही देंगे। अब कहने में और बोलने में और सुनने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगता है कि यार पैसे डालो और फिर बाद में पैसे बनेंगे, राइट? ये ऑलमोस्ट 21 दिन में या 25 दिन में पैसा डबल वाला टेक्निक टाइप आपको लगेगा, बट चीज़ें इतनी सिंपल नहीं रहती। अब कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे आती है वो मैं आपको बताता हूँ। कॉम्प्लेक्सिटी आती है गेम के कोर लूप के अंदर। अगर आपका गेम बाई डिफ़ॉल्ट अच्छा नहीं है तो ढेर सारे पैसे लगाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एट दी एंड ऑफ द डे जब पब्लिशर्स गेम को लॉन्च करते हैं उस टाइम पे ये चीज़ देखी जाती है कि क्या गेम एक्चुअल में कोर में फ़न है कि नहीं खेलने के लिए। अगर एक्चुअल कोर में फ़न नहीं है तो लोग उसको बार बार नहीं खेलेंगे एंड उस हिसाब से फिर पैसे नहीं बनेंगे। अच्छा, एक और तरीका रहता है, एक रहता है आपके फ्री गेम्स का, एक रहता है पेड गेम्स का। मान लेते हैं पेड गेम्स के केस में अगर पब्लिशर ने गेम की प्राइस रखी है 500 रुपये, अज्यूम करते हैं पब्लिशर ने प्राइस रखी है 500 रुपये और एडवर्टाइजिंग स्टार्ट कर दी। अब मान लेते हैं उन लोग ने जो भी एक एक्स अमाउंट खर्चा कर दिया और उनको पता चला कि एक यूज़र को अक्वायर करने के लिए उनको 100 रुपये का खर्चा आ रहा है। मतलब उन्होंने एडवर्टाइजिंग में जो भी पैसे लगाए उसके बाद जो भी एक कैलकुलेशन बन के आता है, तो उसके बाद उनको पता चला कि एक यूज़र जब गेम को डाउनलोड करता है तब हमने एडवर्टाइजिंग के पैसे लगाए हैं और उसमें से 100 रुपये लग रहे हैं उनको एक यूज़र को लाने के लिए, और गेम वो बेच रहे हैं 500 रुपये में, राइट? तो यहाँ पर तो आपको क्लियर कट प्रॉफिट मार्जिन दिख जाता है, 400 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। बट चीज़ें ट्रिकी हो जाती है इन टर्म्स ऑफ फ्रीमियम गेम्स। फ्रीमियम का मतलब गेम डाउनलोड करने के कोई पैसे नहीं मिल रहे, राइट? गेम इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी जाके उसको डाउनलोड कर सकता है। अब बारी आती है यूज़र के रिटेंशन की, और यूज़र रिटेंशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है यूज़र के LTV यानी कि लाइफ टाइम वैल्यू की। अब लाइफ टाइम वैल्यू क्या है इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ एकदम सिंपल भाषा में। लाइफ टाइम वैल्यू मतलब एक यूज़र से आप कितने पैसे कमा सकते हो। मान लेते हैं आपके गेम के अंदर आप एड्स दिखा रहे हो, इन ऐप परचेसेस करा रहे हो या फिर कोई सब्सक्रिप्शन बेच रहे हो, राइट? तो ये सारी चीज़ों के चक्कर में आपको एक यूज़र के पीछे से कितने पैसे बन रहे हैं। और यहाँ पे भी सिंपल फंडा है, अगर मान लेते हैं आपको यूज़र एक्वायर करने के लिए 100 रुपये लग रहे हैं तो आपको लाइफ टाइम वैल्यू जो है, मतलब उसकी जो LTV है, वो आपको 100 रुपये से ज़्यादा करनी है, तभी जाके आप अपने गेम को प्रॉफिटेबिलिटी पे लेके जा सकते हो। यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा पंगा होता है फॉर स्ट्रगल फॉर स्मॉलर डेवलपर्स और पब्लिशर्स, क्योंकि पहली बात तो बड़े बड़े पब्लिशर्स के पास ऑलरेडी लाखों करोड़ों रुपए हैं, तो वो लोग वॉल्यूम में मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़र्स अपने गेम तक लेके आ सकते हैं बहुत ईजीली। अब वो लोग सिर्फ ये एडवर्टाइजिंग फेसबुक में या गूगल एड्स में ही नहीं, बट उनके जो एग्जिस्टिंग गेम्स है
वहाँ पे भी वो लोग प्रमोट करते हैं, जिसे क्रॉस प्रमोशन कहा जाता है। जिसका मतलब सिंपली ये है, आपके पास एक गेम है जिसमें आपके मे बी 1 मिलियन यूज़र्स होंगे, और आप वो गेम के अंदर अपने गेम की एडवर्टाइजमेंट कर देते हो, और उसमें से 10% 5% जो भी कन्वर्जन है वो निकल आता है, राइट? तो 1 मिलियन में से 100,000 लोग आपके गेम को देखेंगे, 100,000 में से मे बी 10,000 लोग आपके गेम को डाउनलोड करेंगे, राइट? ये चीज़ बहुत ईजी रहती है फॉर बिगर पब्लिशर्स, बट छोटे स्केल में अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एक सक्सेसफुल गेम नहीं है, तो वो केस में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है आपको ऑर्गेनिक पुश मिलना। बट खैर, हम बात करते हैं बड़े पब्लिशर्स की। बड़े पब्लिशर के पास ये सारी चीज़ें रहती है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, मार्केटिंग के लिए डे इन डे आउट काम करने वाले लोग रहते हैं, उनको एग्जैक्टली पता रहता है कहाँ पे पैसे डालने हैं और कहाँ से यूज़र्स आएंगे और कितना एक लाइफ टाइम वैल्यू बनेगा। एक और चीज़ बड़े पब्लिशर्स ये करते हैं कि अगर लाइफ टाइम वैल्यू उनके यूज़र एक्विजिशन कॉस्ट से कम हो रही है, मतलब मान लेते हैं अगर आप ने यूज़र एक्विजिशन में 100 रुपये लगा दिए और 100 रुपये के बदले गेम में से 80 रुपये बन रहे, जिसका मतलब ये है कि 20 रुपये का यहाँ पे अभी लॉस हो रहा है, तो ये केस में जो बड़े पब्लिशर्स हैं वो उस गेम को किल कर देते हैं। किल कर देते हैं इन द सेंस वो उस गेम के अंदर और एडवर्टाइजिंग के पैसे नहीं डालेंगे, उस गेम को सपोर्ट नहीं करेंगे। गेम पब्लिशर्स का मकसद रहता है, बड़े बड़े कंपनीज का मकसद रहता है पैसे बनाना। ऑब्वियसली वो एक बड़े लेवल पे एक बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। इसी वजह से अगर आप देखोगे जितने भी बड़े गेम्स हैं, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होते या फिर जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होते तब तक वो ये जो बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं उस गेम के अंदर और पैसे नहीं डालते। डेवलपमेंट में खर्चा जाता है, डेफिनेटली वो एक रिस्क उनको लेना पड़ता है, किसी भी को भी वो रिस्क लेना पड़ता है, बट डेवलपमेंट होने के बाद जब गेम मार्केट में एक्चुअल लाइव जाता है तभी असली स्टोरी शुरू होती है। तो यही चीज़ है, यही सिंपल मैथ्स है जो बड़े बड़े पब्लिशर्स यूज़ करते हैं, देखते हैं यूज़र एक्विजिशन कॉस्ट कितना है और यूज़र की लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है। अगर यहाँ पे उनको प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आती है तो वो गेम को सपोर्ट करते हैं, गेम के अंदर और पैसे डालते हैं जिससे वो और प्रॉफिट कमाते हैं, और अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अगर वो लॉस जा रहा है, तो वो वहाँ पे एंड ऑफ द स्टोरी कर देते हैं। तो यही एकदम सिंपल फंडा है जो बड़े बड़े पब्लिशर्स यूज़ करते हैं। ऑफकोर्स जैसे मैंने बोला, बोलना बहुत ईजी है बट ऐसे लेवल पे पहुँचना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एक छोटे डेवलपर से एक बड़े लेवल का डेवलपर या पब्लिशर बनना इज़ एन एंटायरली डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। वहाँ पे आपको सीरीज़ ऑफ गेम्स लॉन्च करने पड़ेंगे, मार्केट का प्रॉपर रिसर्च रहना पड़ेगा, तब जाके आप ये लेवल तक पहुँच पाओगे। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ आप देखते हो उन्होंने ये जर्नी ऑलरेडी तय की है। सारी कंपनीज़, जितने भी आपको बड़ी कंपनीज़ दिख रही है, वो कभी ना कहीं पे एक छोटी कंपनी रही होगी, एंड ये सारी जो जर्नी है उन्होंने तय की है, एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च है उनके पास, तभी जाके वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये चीज़ें अचीव नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली कर सकते हो, बस आपको पेशेंस रखना है, आप मार्केट को स्टडी करना है, ट्रेंड्स को स्टडी करना है, और ये सिंपल चीज़ को दिमाग में रखना है कि यूज़र एक्विजिशन कॉस्ट शुड बी लेसर देन यूज़र की LTV, लाइफ टाइम वैल्यू, एंड रिटेंशन के ऊपर आपको फोकस करना है। क्योंकि जितना देर तक आप यूज़र को रिटेन कर पाओगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस है कि आप अपने गेम की लाइफ टाइम वैल्यू या फिर LTV उसको बढ़ाओ। एंड ये सिंपल फार्मूला है जो ये बड़े बड़े पब्लिशर्स बहुत अच्छे से समझते हैं। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे बड़े बड़े गेम पब्लिशर्स उनके गेम को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसे लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोज़ को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।